आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एंड डायल्यूट एच2O3, जो कोल्ड और डायल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट ना करे। ओके, तो अगर अपन PBO की बात करें तो PBO को अगर अपन डायल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो अपने को लेड नाइट्रेट मिलता है प्लस H2O मिलता है। इसका मतलब क्या अपना फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन को अगर अपन देखें तो यहाँ पे कोई रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होता। इसका मतलब अपना आंसर क्या होगा, सेकेंड। थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन को अगर अपन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो इस केस में अपने को फेरिक नाइट्रेट मिलता है। क्यों? क्योंकि आयरन को ऑक्सीडाइज कर देता है और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है और साथ में पानी मिलता है। इसका मतलब क्या, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। लेड क्लोराइड को जब अपन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पर लेड क्लोराइड, ठीक है, लेड क्लोराइड और यहाँ पे लेड क्लोराइड प्लस H2O3। ओके, लेड क्लोराइड यहाँ पे अपन लिख चुके हैं, ये यहाँ पे अपने को लेड नाइट्रेट मिलेगा और साथ में HCl गैस मिलेगा। तो अपन देख सकते हैं कि ये जो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो रिएक्ट नहीं कर रहा, तो अपना आंसर क्या होगा, सेकेंड। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज PbO2 का जो हमारे पास कंपाउंड है, PbO2 में क्या होता है, इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है। दिस डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स मोर एसिडिक नेचर। इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है, इसी का नहीं क्लियर। ओके, सो फाइनल आंसर होती है सेकेंड ऑप्शन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।